सचिन भाई चाय पियो आपको इतना मजा आ जाएगा ना। जो चाय जो बनी है ना वो अप्रतिम चाय अप्रतिम, सारा का सारा क्रेडिट जाता है अंकुश भाई को, बहुत ही अच्छा। शाम को जो खिचड़ी बनाई थी कल रात को वो भी बहुत सुपर बनी थी। अभी सुबह की जो चाय बनी है बहुत सही। और दूध भी कौन सा, तो देसी गाय का दूध, जो गाय का उन्होंने दिया दूध, हाँ गामडे में से लिया हुआ। अच्छा टेट्रा पैक वाला दूध नहीं है। सुबह 7 बज चुके हैं और मैं सुनील भाई के साथ में ऊपर आ चुका हूँ। काफी भीड़ है, मंदिर है, जैसे यहाँ से भीड़ कम होगी तो हम भी जाएंगे। अभी नीचे उतरना चालू कर दिया हमने। ये देखो व्यू पीछे का। जा रहा था मैं, यहाँ पे थे हम ऊपर टॉप पे, हवा काफी तेज थी तो चलने में तकलीफ हुई हमें, किनारा किनारा था पूरा। यहाँ पे हम ठहरे हुए थे नीचे, ये जो है यहाँ पे एक है गुफा है उसमें ठहरे थे। અને પેલું ફોર્મ ભી કેટલું બધું હતું। यहाँ रात को हम रुके थे, यहाँ से हम जाएंगे अभी। और ये रास्ता जो जाता है वो सालेरवाड़ी की ओर जाता है। यहाँ से रात के अंधेरे में यहाँ मैं आपको दिखा नहीं पाया, यहाँ बहुत सारे टेंट थे, 5-6 ग्रुप थे जो अभी निकल गए हैं ऊपर, कुछ आगे बढ़े हैं सालोटा की ओर। यहाँ रात को हमारा खाना बना था खिड़की के बगल में ही। करते अभी गुफा की मजबूती आप इस ऊपर के पहाड़ से लगा सकते हो। गुफा को थोड़ा अंदर से हम देख लेंगे अभी। देखिए ये जो है मुख्य कमरा है, इसके बाजू में ही दूसरा है लग के, हालांकि इसमें जो दरवाजा था बीच में वो थोड़ा टूट चुका है। यहाँ हम रुके थे रात को, हालांकि नींद नहीं आई हमें, सोए नहीं थे, 1-2 घंटे की कुछ नींद थी हमारी। 4-5 बंदों का एक दूसरा ग्रुप था हमारे साथ में जो साइड में टेंट लगा के वो सोए थे, और इस साइड हम, यानी 2 ग्रुप यहाँ सोए थे और जो मेन कमरा मैंने देखा है उसमें 2-3 ग्रुप वहाँ रुके थे रात को।
तो जगह बहुत है, यहाँ रुक सकते हैं, और अगर यहाँ फुल हो जाए तो बाहर भी रुक सकते हैं। ये जो अगर मेन गेट आप देखेंगे, मेन कमरा, तो मेन कमरे में एक विंडो है, विंडो के अंदर से आप दूसरे गुफा में जा सकते हैं, वहाँ के लिए रास्ता बना हुआ है। ये बाहर से आप देखिए अंदर जाने का रास्ता है, पूरी एक ही गुफा है जिसमें अभी सामान है, ट्रैकर्स का बैग्स वगैरह रखे हैं जो ऊपर गए हैं। इसी गुफा के सामने 50 से 100 मीटर की दूरी पर एक पानी का कुंड है जिसका पानी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये पानी का वो कुंड है, लेकिन इसको आपको गर्म करके पीना रहेगा क्योंकि ये थोड़ा प्रदूषित हो चुका है। इसके बारे में सोचो। जिस रास्ते से हम आए थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड, यानी हम लोग अभी सालेलवाड़ी की ओर चल रही है। क्या बात कर रहे हैं, नहीं चलेगा मेरे को इसमें कोई ऊंचाई से, ये उतरने दो इन लोग को। धीरे धीरे सुचा छत्रपति शिवाजी महाराज की। चलो अभी Thank you.
इजी है, इजी है। अभी आधा उतर चुके हैं, फिर भी बहुत सारा बाकी है। ये जो है ना मंदिर, यहाँ हम गए थे, यहाँ से इसके पीछे से आए हैं अभी। ये रास्ता थोड़ा इजी था, वो वाला जो रास्ता था ना वो काफ़ी ही भयानक था, मतलब मेरे लिए तो पर्सनली भयानक ही था क्योंकि बहुत रिस्की लग रहा था मुझे फर्स्ट टाइम है इसलिए। ये वाला जो था अभी लास्ट हम जो अभी उतरे हैं ये ट्रैक, ये मेरे को उसके मुकाबले इजी लगा, कोई इतना लगा नहीं रिस्क मुझे। अभी ये देखो गेट आया हुआ है मेन, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ वो तो देखते हैं। मराठाओं का पराक्रम और हिंदवी स्वराज्य की साक्षी देता यह किला महाराष्ट्र के नासिक जिले में बागलान प्रांत में स्थित है। यह किला महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा और कळसूबाई शिखर के बाद दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इस किले के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो यह किला बागलान प्रांत के गुजरात के व्यापारी मार्ग में स्थित है। इसी का महत्व समझते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह किला सूरत की लूट की वापसी में सन 1677 में जीत लिया था। यह मराठा और मुगलों के बीच बहुत ही भयंकर और बड़ा युद्ध हुआ था। इतिहास का यह युद्ध अपने आप में अलग था क्योंकि यह युद्ध पहली बार आमने सामने और खुले मैदान में लड़ा गया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में सिर्फ 10 से 20 हजार मराठा सैनिक थे और सामने मुगलों की 1,00,000 के आसपास की सेना थी। उसी का फायदा उठाकर मुगलों ने घाटी की ओर दबाव बना लिया था और युद्ध का परिणाम एक तरफा बना लिया था। एक समय ऐसा आया कि लगा मुगलों की विजय निश्चित है, लेकिन तभी कोकण की ओर से मराठा सेनापति मोरोपंत पिंगले अपनी सेना के साथ आगे बढ़े और मुगलों को खदेड़ना शुरू कर दिया। मृत्यु के डर से मुगल सेना पीछे भाग खड़ी हुई और परिणाम स्वरूप मराठाओं का विजय हुआ। इस युद्ध में सबसे दुखद बात यह रही कि शिवाजी महाराज ने अपने प्रिय सेनापति सरदार श्री सूर्याजी काकड़े को खो दिया था। ये तीन छोटे छोटे गाइड हैं लोकल, अगर यहाँ से जा रहे हो या मतलब आ रहे हो, अगर आप रास्ता भटके तो इनसे आप पूछ सकते हो। हम उन लोगों को लेके जाते हैं, तब पैसा देता है वो लोग। और उसको सब सब जो है वो दिखाते हैं, दिखाते हैं उनको, हेल्प करते हो आप रास्ता दिखाने में। और ऊपर तक जाते हो कि फिर यहाँ से रास्ता दिखा देते हो? ऊपर तक जाते हैं, वो लोग बोलते हैं तब उधर ही रह जाते हैं हम लोग। अगर ना भी हो सके तो इनको आप सपोर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ रोजगार होगा, तो आप इनको सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे ही। थोड़ा बहुत फैमिली को इनसे सपोर्ट हो जाता है।